सोलो जी, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन, वेरी गुड। ओके, सो ये हमारा चैप्टर 4 चलने वाला है और हमारा उसका पार्ट नंबर 1, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट कैरेक्टर, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक, सभी ने अवज्ञा और उससे आगे के बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं रादर देन एनी डिस्कशन। राष्ट्रवाद के इतिहास में यानी कि नेशनलिज्म के हिस्ट्री में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो कि हमारे गांधी जी हैं। फॉर एग्जांपल, हम इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डी को जोड़ते हैं, ये पूछ सकते हैं हमसे। अमेरिका के साथ में जोड़ते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन को, और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से ही ची मिन्हा को जोड़कर देखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। चूंकि गांधी जी स्वतंत्र संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सम्मानित हैं, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है, ठीक। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्हा की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त वो समाज ने ही संवारा और उसने ही कंट्रोल किया था जिस समाज में वो रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है, ठीक। इस अध्याय में 1915 से 1948 क्यों 1915 में गांधी जी आए, गांधी तो आ गए पहले ही। पहले उन्होंने चंपारण, ना एक चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये ट्रिक है, तो ये उन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, उसके दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। ये भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित और नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है, ठीक। रेड्डी आराम से सो जा। यह अध्याय विद्यार्थियों के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के सोर्सेस को भी रखता है जिनका इस्तेमाल हिस्टोरियंस एक नेता के जीवन व्रत तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा है उसके पुनर्निर्माण में करते हैं। दोस्त सो रहा है, आई एम श्योर हमको स्नोरिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए यार, बंदा सो रहा है मेरा दोस्त, थक गया बेचारा। केदारकंठ एक जगह है उत्तराखंड में, ठीक है, वहां का ट्रैक क्या है 12,700 फीट समथिंग हाइट है। चलो अभी स्वयं को घोषणा करता है एक नेता की बात करते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आ गए, यानी कि इंडिया। तो इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया था, आपको पता ही है, यहाँ पे एक वकील के रूप में गए थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका, और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए, कहाँ, इंडिया में ही, जो सॉरी साउथ अफ्रीका में जो इंडियन कम्युनिटीज थी ना उनके नेता बन गए थे। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवशे ने टिप्पणी की है कि साउथ अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया था, ठीक। साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में की जानी गई अहिंसात्मक विरोध को अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया था। वेरियस रिलीजियंस के बीच सौहार्द बढ़ाने का उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था, ट्राई किया था, तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए वार्निंग दी थी, ठीक, कि हाई क्लास एलीट क्लास पीपल लोग जो लो कास्ट के पर्सन है उनसे आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करोगे पैरेलल विद द विमेंस। तो 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे तो उस समय भारत का 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत बहुत डिफरेंट ऑब्वियसली हो जाएगा। ऑल्दो यह अभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, ठीक है, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक एक्टिव हो गया था, ठीक। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी, ठीक है। तो 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था, ठीक। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे हमारे, बंगाल के विपिन चंद्र जी पाल थे, पंजाब के लाला लाजपत राय थे, ये तीनों लाल पाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। इन तीनों का ये जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, किसके, लाल वाल पाल, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहाँ औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया था लालवाल पाल ने, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व कॉन्टिन्यूस
ट्राई करते रहने के विचार का हिमायती था। तो इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। ठीक है, डिमांड ही विल डिमांड फॉर पाकिस्तान लेटर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, कौन? कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। तो गोखले ने गांधी जी को एक साल तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। किसने? वेरी इंपॉर्टेंट, जी के गोखले जी ने सलाह दी थी गांधी जी को कि पहले आप आए हो अफ्रीका से, तो पहले आप भारत के बारे में जान तो लो, जो कि ब्रिटिशर्स ने अभी उस टाइम पे रूल कर रखे थे। ठीक है, तो ये एडवाइस दी थी गोखले जी ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये उनका पर्सनल डिमांड नहीं था, ये उनको एक एडवाइस मिली थी। ठीक, जिससे कि वे उस भूमि और उसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली इंपॉर्टेंट सार्वजनिक प्रेजेंस कहाँ हुई थी? फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये PYQ है। ठीक, ये PYQ आएगा, CDSFC CAPF का है और ज्यादा पुराना नहीं, एक तो साल ही वही है। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस BHU की स्थापना में योगदान दिया था। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी उपस्थित थे। ठीक है, इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर और उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर इनवाइट किया गया था। ठीक, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों की हालत खस्ता कर दी थी। तो जब गांधी जी को बोलने की बारी आई, तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े में हाथों लिया। ठीक, उन्होंने कहा कि BHU की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु वहां धनी बा सजे सवेरे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की थी गांधी जी ने। ठीक, गांधी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत की नियुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त करा कर लें। ठीक, और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे, तब तक तो स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होगा। तो हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना जमींदार और इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो BHU की स्थापना एक ऐसा उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन, भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय का स्थापना द्योतक था। ठीक, लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के लिए सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के आधिशंक के हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां शोर जहाँ पे वहां पे जो भी लिसनर्स थे उनमें प्रेजेंट थे, बट उनको कोई ज्यादा वो भाव नहीं दे देता। ठीक, तो एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तत्व का ही उद्घाटन था। अर्थात क्या मतलब हो गया इसका कि भाई भारतीय राष्ट्रवाद जो वकील, डॉक्टर, जमींदार जैसे विशिष्ट यानी कि हाई इलीट क्लास के लोग थे उनके द्वारा निर्मित था, लेकिन दूसरी अगर नजर से देखा जाए तो यह वक्तव्य जो गांधी जी ने बोला था उनकी मनसा भी जाहिर करता था कि भाई सिर्फ इलीट क्लास ही नहीं, जो हमारे पुअर पीपल हैं, जो हमारा गरीब बेसहारा वर्ग, उनको भी सपोर्ट करो। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों को का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा के प्रति प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। अब आपको आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज्यादा समझ आ रहा हो कम्पेयर टू द पहले, क्योंकि पहले वाला कुछ इतना अच्छा नहीं था, अब मजा आ रहा हुआ। अभी क्या हुआ, उसी ईयर क्या हुआ, उसी ईयर 1915 के लास्ट में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई, अच्छा सॉरी 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण, बिहार से चंपारण आए थे और एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर के व्यवहारों के बारे में बताया था। ठीक, तो अभी आएगा हमारा चंपारण वाला। तो असहयोग की शुरुआत, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा।
1917 का अधिकांश समय, 1916 में बता दिया था, 1917 में पहुंच गए थे, तो 1917 का मैक्सिमम समय गांधी किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता था। किसकी पसंद? गांधी जी की नहीं, किसानों की। ठीक, तुम्हारा जो मन करे उसको तुम उगाओ, रादर देन की जो आपको ब्रिटिशर्स कहेंगे वो उगाओ। ठीक, अगले वर्ष यानी कि 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में दो अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले लोगों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति। ठीक, ये हमारी एक डीपीएसपी भी है और एक हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, या ऐसा डीपीएसपी नहीं है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, उनकी बेहतर स्थितियों की मांग की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की डिमांड की थी। तो चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा, सी फॉर चंपारण, अहमदाबाद ए, खेड़ा के, याद रखना 16 17 17 ऐसे कुछ है ना, लेट सी। तो इन तीनों से शुरू हुई थी। तो पहले से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। व्हाट वाज दैट? लेट्स सी। तो 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान, ये हमारा वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है यहाँ पे, ठीक, अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस मतलब कि जो मीडिया थी उस पर बैन लगा दिया था। ठीक, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी, मतलब कि नो दलील नो वकील, जो भी मिले उठा के जेल में डाल दो। ठीक, अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। ठीक, इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ में एक अभियान चलाया। तो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थनों में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। तो पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, वहां जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। भाई हमने तो ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, बट उन्होंने ये रॉलेट एक्ट लेके आ गए थे और अपनी सेवा के बदले में बेनाम की अपेक्षा कर रहे थे, उनको तो पनिशमेंट मिल गया, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। ठीक, तो पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेसजनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, अभी देखना क्या होगा। तो प्रांत की यह प्रोविंस की यह स्थिति जो थी धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। ठीक है, तो लगभग अप्रैल 1919 में अमृतसर में ये खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई थी जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मसाकर, ठीक, हत्याकांड। ठीक, इस हत्याकांड में 400 से अधिक मोर देन 400 पीपल वर डाइड। तो रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे, क्योंकि उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोला था। तो इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की डिमांड कर दी थी आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द जेल। तो जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते हैं उनसे डिमांड किया कि भाई वे स्कूलों, कॉलेज, जुडिशरी ना जाए, ना ही उनका टैक्स दें। संक्षेप में मतलब कि सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंध, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार संबंध है वो हटा दो, त्याग कर दो उनका। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। ठीक, ये उन्होंने कब बोला था? असहयोग आंदोलन के टाइम पे। लेकिन अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में टर्की रूलर थे कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए। सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की डिमांड कर रहा था। ठीक, तो एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी क्या चल रही थी? गांधी जी ने यह आशा की थी कि भाई असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय, मतलब अगर असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, खिलाफत आंदोलन हमारे मुस्लिम ब्रदर्स चला रहे थे। ठीक, लियाकत कुछ नाम था मुस्लिम अली ब्रदर, बताऊंगा आपको। तो ये हिंदू या मुस्लिम बोले, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। ठीक, तो इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाम को अनुमत कर दिया था, और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल भी अभूतपूर्व थी, मतलब कि पहली बार हो रही थी। तो विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेज में, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो खिलाफत आंदोलन वाले यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक,
खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के बीच में मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे, ठीक है, अली ब्रदर्स, उनके लीडरशिप में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की डिमांड थी कि भी पहले के ऑटोमन एम्पायर के जो सभी इस्लामी पवित्र स्थान थे, उनके स्थान पर जो टर्किस्तान थे, और उन्होंने खलीफत का पद खत्म कर दिया था, इसलिए आंदोलन चल रहा था। ठीक, मतलब वो बता रहे थे कि खलीफा का पद बना रहे और सुल्तान का भी पद बना रहे। जजीरात अल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तान इस्लामी संप्रभुता के अधीन है, मतलब अंडर द इस्लामिक कंट्रीज बने रहे, तब खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। ठीक, तो कांग्रेस ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया था और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की थी। तो विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, कई कस्बे और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे, श्रमिक शामिल थे, और इससे 70 लाख कार्यवासियों का, कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। नॉर्थ आंध्रा की पहाड़ी जनजातियों में वे वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। ठीक, अवध के किसानों ने टैक्स नहीं दिया, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया था। तो इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसान, श्रमिक और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करके कार्रवाई शुरू की थी। तो महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर, ठीक, ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक। ठीक है, मतलब असहयोग आंदोलन में शांति नहीं थी, उसमें नेगेटिव था, बट अगर बात किया जाए कि इफेक्ट उसका था तो बहुत इफेक्ट था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्वानुशासन आवश्यक थे, जो कि चल रहा था उस टाइम पे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था, एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ था। तो 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव मिल गई थी। आफ्टर 1857 के बाद ले ये पहली बार हुआ था। दूसरी बात, मतलब फरवरी 1922 में ये कांड हो गया, जिस वजह से रुक गया था। ये कब हुआ था? 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा, जो गोरखपुर के आसपास के एरिया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और उसमें आग लगा दी। तो इस आग में कई पुलिस वालों की जान चली गई थी। ठीक, तो हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने सिंपल बोल दिया था कि वी आर इन द सपोर्ट विद द नॉन वायलेंस, यानी कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। तो उन्होंने जोर दिया कि भाई किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्ते और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो कांड भीड़ ने कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक, स्वयं गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह यानी कि क्या बोलेंगे, एंटी क्या बोलेंगे अभी याद नहीं आ रहा, मतलब कि कंट्री के अगेंस्ट में ऐसा कुछ करते हो तो लग गया था ना, तो राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज थे जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। ठीक, ने उन्हें सजा सुनाते समय एक इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन कह दिया था कि भाई जज ने बोला था कि इस तथ्य को नकारना इम्पॉसिबल होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। किसके लिए बोल रहे हैं ये? हमारे महात्मा जी के लिए। तो इम्पोर्टेंट है कि 1922 में जब गांधी को गिरफ्तार किया गया था, उनके जज कौन थे, कि उन्होंने उनको मतलब किसने उनको सजा दी थी? तो जस्टिस जे एन ब्रूमफील्ड, नाम रखना ब्रूमफील्ड, ब्रूम ब्रूम गाड़ी याद रखो अच्छी, मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ब्रूम ब्रूम चीज करेगी, तो जज साहब से ज्यादा पावर बना सकते हैं। ऐसे निमोनिक्स मैं फालतू बैठता हूँ ये बनाता हूँ, और इससे हम टेलिंग बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। चलो, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अब चूंकि गांधी जी ने कानून तोड़ दिया ना, तो अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 साल की सजा को सुनाया जाना इम्पोर्टेंट था। लेकिन जस्ट ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ,
इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। कि मतलब वो ये बोले थे कि मैंने एज पर द लॉ 6 साल की सजा आपको सुना दी है, बट अगर कुछ अच्छा हो गया तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको पहले भी रिलीज कर दे, तो उसमें सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन कौन होगा? हमारे सर ब्रूमफील्ड होंगे, दैट्स इट। बाकी यार मतलब जन नेता कैसे बन गए थे? तो 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया, और इस प्रकार फरवरी 1916 में BHU में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने कंप्लीट किया था। तो अब यह व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उन्हीं की तरह रहते थे और उन्हीं की भाषा में बोलते थे। तो अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। ठीक, सॉरी। तो सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिम शैली के सूट अथवा भारतीय बंदंगला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। ठीक, इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने का लिए प्रोत्साहित किया था। सूत कताई के कार्य में गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए। तो 1921 में क्या हुआ था, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ अपना तादाम्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूत्री वस्त्र बनाना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना, और ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी मॉडर्न वर्ल्ड की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। चरखे की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे दे रखी है कि महात्मा गांधी मॉडर्न युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था, उसके घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखों को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों प्रौद्योगिकी को बहुत महामंडित नहीं किया जाएगा। इससे वे अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है, यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर ना फेंक दिए जाएं। मैं मानव कम्युनिटी के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। यंग इंडिया में छपा था ये, अब ध्यान रखना यंग इंडिया न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था, पत्रिका किसकी थी? महात्मा गांधी जी की। ठीक, मैं एक्चुअली अभी रिसेंट में अहमदाबाद गया था, तो वहाँ पर मैंने ये सब देखा था। तो वहाँ पे ये सब कुछ पेपर्स उनके एक्चुअल लिखे हुए राइटिंग में है, वो सारे वहाँ पे छपे हुए। खुद्दार मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक करीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है, बता रहे हम वो गांधी जी बता रहे चरखा के लिए। तो इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा अज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना की थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है कि भाई फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया था। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल था कि इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट का लिखी की। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया। ठीक, उसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना होगी। गोरखपुर लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया यहीं पे है। मेरा CAPF का जो था, क्या कहते हैं इसको, PET फिजिकल एंड मेडिकल वगैरह, वो गोरखपुर में हुआ था। तो नूनखोर, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुम साहिब स्टेशनों पर 15,000 to 20,000 कम लोग नहीं थे, बहुत भीड़ थी। महात्मा जी कुसुम माही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर मोर देन 10,000 पीपल वर देयर। ठीक, प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी यानी कि दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा, लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, तो एक चादर फैला दी गई
इस पर रुपये और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था, गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हुए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए थे। गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गईं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के सभी दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाहों से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैली थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गाँव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। तब गांधी जी के बारे में अगर आप बुरा बोलोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा था। चमत्कारी को अविश्वसनीय कहता कि संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में ये उस समय खबर फैली कई अफवाहें दर्ज हैं। ये अफवाहें थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को शक्ति का प्रश्न चाहा उसे अचंभा हुआ कि बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा था कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने जहां गुड़ का प्रोडक्शन होता था उसमें गन्ने के रस से भरा कड़ाहा उबलता हुआ दो भागों में टूट जाएगा। तुरंत ही कड़ाहा वास्तव में बीच में से दो भागों में टूट गया। आजमगढ़ के किसान ने कहा कि महात्मा जी को प्राण मृत्यु में तब विश्वास करूंगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाए। अगले दिन उसका खेत का सारा गेहूं तिल बन गया था। पता नहीं कहीं चल रहा। और सुनो बाएं भाई सुनाओ को। उससे पहले देखते हैं गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए उद्धारक के समान थे जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनकी लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सिंपैथी रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी से समानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे गांधी जी। और अब मैं सुनो ऐसी बात है कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। जैसे कि गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उनके घर में आग लग गई। दूसरा था कि अप्रैल 1921 में यूपी के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेलने समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा तो अगले दिन उसकी बकरी को उसकी ही चार कुत्तों ने काट खाया। गोरखपुर के गाँव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। पत्थरों की, जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया और रोड़ों की बारिश बंद हो गई। तो ऐसी अफवाहें चल रही थी। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निस्संदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि भाई राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई नई ब्रांचेस खोली गई थी। रजवाड़े में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक सीरीज स्थापित की गई थी। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने का प्रोत्साहित किया और इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की आर्टिफिशियल सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से भाई राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब उसमें बेसामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूत थे, इसमें टच में नहीं थे। तो अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे और उद्योगपति शामिल हो चुके थे कांग्रेस में। ठीक है, भारतीय कांग्रेस का फॉर्मेशन कब होता है 1885 से और ये बात चली है 1922 प्लस की। तो भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली थी कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। जीडी बिड़ला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को खुला समर्थन किया जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। ठीक, इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण
उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि गांधी जी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर ही निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जेएल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी भी शामिल थे। गांधी जी के ये कनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। उसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अब 1922 में उनको देखो गिरफ्तार किया गया और 1924 में वो रिलीज हो रहे हैं, यानी कि जस्ट इन 2 ईयर्स। तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, जज कौन थे हमारे, ब्रूमफील्ड, याद आया कुछ? ठीक। और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़ों को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना पड़ेगा। और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया था। ठीक इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर डाला था। यू नो एट व्हाट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इट्स 2:21 AM। मेरे तो सो रहा है और मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे आपकी खत्म करानी है, तो आई विल मेक इट फिनिश यार, डोंट वरी। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस है, आपको बताइए। नजदीक से नजर लेते हैं भाई इसकी। तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष के बाद जब महात्मा गांधी जी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा था, तो 1928 का वो एरिया आता है, उन्होंने पुनः राजनीति प्रवेश करने की सोची थी। तो उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों यानी कि ब्रिटिशर्स वाले साइमन कमीशन आया था 1927 में, जो कि उपनिवेश की स्थितियों में जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। ठीक उसके अगेंस्ट में अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। तो गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। तो 1929 में दिसंबर के लास्ट में कांग्रेस में, जो कांग्रेस का सेशन होता था हर साल के एंड में होता था, यानी कि मंथ ऑफ दिसंबर में, तो 1929 के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक तो यह अधिवेशन दो दृश्यों से इम्पोर्टेंट था। पहला कि जेएल नेहरू का अध्यक्ष रूप में चुनाव हुआ था, कि जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करेंगे, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी पहली बार 1929, वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर। ठीक अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी, तो 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930। अच्छा आपको एक चीज याद होगी, 26 जनवरी को ही हम मनाते हैं 1950 में हमारा रिपब्लिक डे, जबकि हमारा जो बन गया था कानून बोलना था 26 नवंबर 1949 में हमारा मतलब हमारा वो बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने 26 जनवरी को लिया था। यही रीजन था कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार ध्वज फहराया था, देशभक्ति के गीत गाया था और स्वतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया था। तो जस्ट इस डेट को रिमेम्बर करने के लिए हमने 26 नवंबर को 26 जनवरी में ट्रांसफर कर लिया था, एक महीने बाद। कुछ हमने लगा दिया था 26 नवंबर को ही, लेकिन कुछ चीज़ें हमने लागू की थी 26 जनवरी को। ठीक मेजर चीज़ें। तो गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गाँव और सभी शहरों में, यहाँ तक कि जो भी है वहाँ तक हो तो अच्छा होगा, और अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीट कर
ट्रेडिशनली तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए और राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की स्टार्ट होगी, जिनका बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा, यह इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें भाग लेने वाला लोग दृढ़ता पूर्वक यह प्रतिज्ञा लेगा कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी इंडिपेंडेंस और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्य अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा खत्म करने का भी अधिकार होगा। ठीक, दांडी यात्रा की बात करते हैं। दांडी मार्च तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त या रिपब्लिक डे 26 जनवरी मनाए जाने के तुरंत बाद यानी कि 26 जनवरी के बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश इंडिया के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दे दिया है, उसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एक अधिकार, नमक को NaCl से बोलते हैं, केमिकल उसका फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन आया था कि हिस्टोरिकली कौन सा लाइक वो बिलोंग करता है, तो NaCl था उसका आंसर। ठीक, नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कौशल समझदारी और एक का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग इम्पोर्टेंट, हम लोग करते हैं, नमक हर कोई यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया है और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक को खरीदने के लिए बाउंड किया जा गया है। तो नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था, तो इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। तो अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं आया था। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। ठीक, किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को ना समझ सके तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर 21 डेज में पहुंचे थे। मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक आयंत्रित मतलब यात्राएं आयोजित की गई। अभी देखो ये क्यों हुआ, नमक सत्याग्रह क्यों हुआ, तो नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा ने लिखा है कि भाई प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक का टैक्स को तैयार किया जा रहा है। ठीक, बिना टैक्स जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, मान लो अगर 1 रुपए का टैक्स सॉरी नमक है तो उसका 15 रुपए लिया जा रहा है, तो अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी उसको नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर टैक्स लगाती है, यह जनता को उसके प्रोडक्शन से रोकती है और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को भी उसका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विश्लेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो डिफरेंट सोर्सेस से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुना रहा हूं। टनों ना सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया, बताया गया है। दांडी भी इस तरह की बातें पर चलती हैं, पता चली हैं, जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की पॉसिबिलिटी दिखती है, वहां तुरंत अधिकारी अपॉइंट कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। तो नमक एकाधिकार एक तरफ से चौतरफा अभिशाप है। यहाँ यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित है ये ठीक संपदा की अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का ही मतलब ही और अधिक राष्ट्रीय खर्च चौथा था कि इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक क्यों का ही है। तो सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह टैक्स अस्तित्व में बना रहा है। आज जनता पर्याप्त रूप से जाग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा ये लोगों की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो ये किसने लिखा था भाई, गांधी जी ने लिखा था। ठीक,
कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। जस्ट अ सेकंड। तो कल हम नमक कानून तोड़ेंगे, इसके बारे में गांधी ने क्या लिखा था एक लेटर में। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था कि जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टिटली की तरफ चला था तो उनको लगा था कि भाई यहाँ तक आने उनको नहीं दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी लेकिन शायद मुझे यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इसमें शांति और अहिंसा का कम भी हाथ नहीं है भाई, कि यहाँ शांति और अहिंसा तो मेंटेन किया था उन्होंने। तो इस सत्ता को सब महसूस करते हैं, अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है। मतलब इंडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चूंकि गवर्नमेंट ने उनको रोका नहीं था इसलिए गवर्नमेंट अपने आप को शाबाशी दे सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो वह हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। और जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना को गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट और सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार ना करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। ठीक है, अब वो लिख रहे हैं कि भाई कल हम नमक कर नमक टैक्स यानी कि सॉल्ट टैक्स कानून तोड़ेंगे, सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, ये सवाल डिफरेंट है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है वह उसके लिए अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा। यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उस नेता की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ठीक, असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए थे। ठीक, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से मना कर दिया था। तो 1920 से 22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना संतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। आराम से नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे, समझ रहे आप। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग मोर देन 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से वन ऑफ देम वाज गांधी। तो समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं, वरना बसना नामक गांव में गांधी जी ने हाई कास्ट वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि भाई यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ सॉल्ट टैक्स या अन्य टैक्स को खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा, स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की। स्वराज के लिए हिंदू मुसलमान पारसी और सिख ये सबको एक साथ आना होगा। ठीक, ये स्वराज की सीढ़ियां। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भाई गांधी जी की सभा में तमाम जातियों के औरत और मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर भी थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक जो हमारे होते हैं उन्होंने लिखा था कि भाई श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए, वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और सोर्स से भी समझा सकता है कि अमेरिका का समाचार पत्रिका थी टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेडू का खूब मजाक उड़ाया था।
इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा की मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया था कि भाई दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी ने जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, उसने अंग्रेज शासकों को एक गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों को खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, तो ये उनका सोच बदल दिया था। टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन ऑफ यूएस की, तो पहले उनकी मजाक बना रही थी, बाद में उनको सलामी जारी सल्यूट मार रही थी। ठीक यार, आई थिंक ये लंबा हो गया हमारा वीडियो, कितने मिनट का हो गया, 45 मिनट्स का, तो इसको मैं ही खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम जो भी हो, मेरे को आप कमेंट करो या इस नंबर पर व्हाट्सअप करो। देखो नंबर भी नहीं आ रहा। ठीक, आई एम श्योर आई हेल्प यू आउट। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मस्त कहानी सुनते रहो आप, तो मजा ही आएगा। ठीक, इसका दो चैप्टर और बचे, वो भी मैं करा दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।